आज साउथ जोन टास्क फोर्स टीम के तरफ से एक नोटोरियस हैबिचुअल हाउस बर्गलर जिसका नाम मोहम्मद सलीम है और जिसको सुनील शेट्टी के नाम से भी जाना जाता था, आज उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उसके पास से लगभग 700 ग्राम सोने का ज्वेलरी जिसका टोटल कीमत लगभग 21 लाख रुपीस है, उसका रिकवरी हुआ। ये हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा तीनों पुलिस कमिश्नरेट में लगभग 13 केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट अभी है और अपने लंबे क्राइम हिस्ट्री में ये लगभग 150 केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट पहले भी रहा है। आज के पहले पुराने केसेस में अलग अलग जगह 22 टाइम्स इसको अरेस्ट किया गया और लास्ट में जब जनवरी 2018 में जब जेल से वो रिलीज हुआ सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद सीरीज ऑफ ऑफेंसेस हैदराबाद में इसने किया। एक बहुत खास बात इसमें यह है कि हर बार जब ये अरेस्ट होता है और इसको कोर्ट में सजा सुनाई जाती है तो ये कभी भी अपील का कोशिश नहीं करता है, ये पूरा टर्म कंप्लीट करके उसके बाद जेल से बाहर आता है। इसके कारण भी पीडी एक्ट लगाने में इसके ऊपर थोड़ी दिक्कत हुई थी। नेचर ऑफ क्राइम इसका ऐसा है कि यह लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली को सेलेक्ट करता है और जो मोडस अपरेंडी काम करने का जो तरीका है इसका, वो स्केलिंग ऑफ वॉल, दीवार को जंप करके कैंपस के अंदर आकर ये क्राइम करता है। पहली बार यह 1991 में क्राइम किया और ये सिटी डॉसियर क्रिमिनल है फलकनुमा पुलिस स्टेशन ओल्ड सिटी का। इसका एक खासियत यह भी है कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का एक हीरो सुनील शेट्टी, उससे यह बहुत इन्फ्लुएंस्ड है और बहुत बार बॉम्बे गया उससे मिलने के लिए लेकिन शायद कभी उस हीरो से मिल नहीं पाया। क्राइम का आदत इसको बचपन में लगा जब इसके फैमिली में इसके फादर के पास किराना का बिजनेस था और बहुत छोटे उम्र से ही वो किराने के दुकान में चोरी करने का आदत इसको लग गया। वही आदत बाद में बड़ा होकर एक प्रोफेशनल क्रिमिनल का रूप लिया। ये इसके पास और भी कुछ बैड हैबिट्स हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन, ब्रॉथेल, ये सब के पास में भी जाता था और उसमें भी इसका खुद चीटिंग हुआ। एक लेडी 12 लाख रुपए इससे ले ली। इसके फैमिली में इसके 7 बच्चे हैं और हैदराबाद में जो जिस पुलिस स्टेशन में इसका ज़्यादा काम हुआ, ज़्यादा क्राइम हुआ, उसमें चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, काला पत्थर, कामाटीपुरा, हुसैनी आलम, कंचनबाग, संतोष नगर, बालापुर, पहाड़ी शरीफ, मैलरदेवपल्ली, इन पुलिस स्टेशन में इसका एक्टिविटीज ज़्यादा रहा है। ये पूरे काम में हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स के पूरे टीम जिनके लीडर हमारे एडिशनल डीसीपी श्री एस चैतन्य कुमार हैं, इनके साथ इंस्पेक्टर के मधुमोहन रेड्डी, एसआई के एन प्रसाद वर्मा, जी वेंकट राम रेड्डी, एन श्री साइलम और मोहम्मद तकीउद्दीन और इनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करके ये एक नोटोरियस डेंजरस क्रिमिनल को ये लोग अरेस्ट किए हैं। हमारे तरफ से साउथ जोन टास्क फोर्स के सभी मेंबर को, एडिशनल डीसीपी साहब को मुबारकबाद और हमारे तरफ से इनको सबको रिवॉर्ड भी मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू।